तो गुड इवनिंग नमस्कार मैं बबीता त्यागी आई कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं टीचिंग से जुड़ी हुई एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी लास्ट वीक और जिसमें लगातार मैं क्लासेस ले रही हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनको टीचिंग से जुड़ा कोई भी एग्जाम देना है चाहे सी टैट है एच टैट है रीट है यूपी टैट है सुपर टैट है कोई भी किसी भी राज्य का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको देना है तो ये सीरीज आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगी क्योंकि इस सीरीज के थ्रू मेरा टारगेट है एक बेस तैयार कर देना सभी टीचर्स के लिए जो वुड बी टीचर्स हैं जो भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं और ये सभी चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आप कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे जो आपने बी में जेबीटी में पढ़ी हैं तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी और उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आ, कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट लेके बैठेंगे तो आप देखिएगा लगभग क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे उनकी भाषा आपकी समझ में आएगी और फिर आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे ये सारा खेल होता है अंडरस्टैंडिंग का क्योंकि साइकोलॉजी कोई रटने का टॉपिक नहीं है ना ही यह बहुत टफ टॉपिक है टेक्निकल कुछ चीजें अगर समझ में आ जाते हैं टर्म्स तो बाकी देखें तो साइकोलॉप

सामाजिक पिछड़े जिनमें हमने दलितों को एस सीज को काउंट किया था या सांस्कृतिक पिछड़े जिनमें एस जो है शेड्यूल ट्राइब्स उनको काउंट किया था और एक आर्थिक पिछड़े जिसमें किसी भी जात पात के हों लेकिन गरीब हों जिन्हें चीजें ना मिल पाई हों वो सुविधाएं ना मिल पाई हों जो बचपन से ही मिलनी चाहिए थी कुछ बेसिक चीजें होती हैं ना कि बच्चे का जब जन्म हो तो उसे पेट भर भोजन मिले एक अच्छा माहौल मिले वातावरण मिले उसका भाषिक विकास अच्छा हो उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो उसके पेरेंट्स उसकी केयर करें तो ये सब चीज़ें अगर बचपन से नहीं मिल पाती

होता है positive, का, वो भी माहौल से ही सीखता है तो ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा कहीं न कहीं प्रभावित करता है बच्चे का परिवेश जिसमें कि उसकी परवरिश होती है तो ये सब चीजें कैसे कैसे इंसान के ऊपर फर्क डालती हैं उम्मीद करती हूं ये टॉपिक आपकी समझ में सारे अब आने लग गए होंगे साइकोलॉजी एक बार समझ में आने लगे तो टफ नहीं है आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ सामाजिक विकास मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सोशल डेवलपमेंट कि किसे कहते हैं सोशल डेवलपमेंट ऐसा विकास जो सोसाइटी में रहने लायक हमें बना दे उसे कहा जाता है सामाजिक विकास हर समाज के अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं अपने कुछ नॉर्म्स हैं अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम सबको सीखनी पड़ती हैं आप देखिए घर में एक छोटा बच्चा है डेढ़ दो साल का वो उसका अगर बिहेवियर देखें तो बहुत ज्यादा इगोसेंट्रिक होता है इगोसेंट्रिक समझते हो उसमें अहम का भाव होता है इस अहम को हम ईगोसेंट्रिसिटी कहते हैं ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा इंसान मेनली तो बच्चे ही होते हैं ये जिसको सिर्फ अपने से मतलब हो उसकी सारी दुनिया अपने तक सीमित हो एक बहुत छोटे बच्चे को हर चीज़ हर इंसान हर एक्टिविटी सिर्फ अपने से संबंधित करके ही देखनी और समझनी आती है उसे लगता है कि जिस घर में रहता है वो घर भी उसके लिए है पेरेंट्स भी उसके हैं सारी चीज़ें जैसे चांद भी उसका आपको याद है जब हम लोग छोटे थे हम भी ये सोचते थे कि जब मामा के घर गए तो चांद हमारे पीछे पीछे मामा के घर आ गया और फिर हम जब अपने दादा के घर गए तो दादा के घर चला गया वो ये इंसान जब बच्चे में ये समझ ना हो कि ये सब चीज़ें सिर्फ उसके लिए नहीं है बल्कि ये सब चीज़ें हैं और उसका जन्म एक प्राणी के रूप में हुआ है तो हर बच्चा जन्म से ईगो सेंट्रिक होता है लेकिन धीरे 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 उसको अपनी ईगोसेंट्रिसिटी को कम करना सीखना पड़ता है अदरवाइज बच्चे उसके साथ खेलना बंद कर देंगे उसके साथ वो बातचीत नहीं करेंगे दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके दोस्त भी ज्यादा नहीं बनेंगे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका व्यवहार कैसा है तो व्यवहार अच्छा बनाने के लिए एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा ना दो चीजें अगर आप समझ पाते हैं लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर हम सबको अपने व्यवहार को लाइफ लॉन्ग बदलना पड़ता है आप जिस शहर में जाते हैं जिस घर में रहते हैं जिस समाज का हिस्सा हैं आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं आप नौकरी पर जाते हैं तो आप देखिएगा आपको हमेशा हर जगह अपने आप को ढालना पड़ता है और ये समझदारी है इंटेलिजेंस यही होता है कोई पूछे इंटेलिजेंस क्या है तो पावर टू एडजस्ट जिस इंसान में एडजस्ट होने की क्षमता है वही बुद्धिमान है मूर्ख व्यक्ति तो अड़ जाता है कि हम बदलेंगे ही नहीं समझदार व्यक्ति कौन जो एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल लेता है वो समझदार इंसान कहलाता है साइकोलॉजी की परिभाषा यही बताती है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस पावर टू एडजस्ट इज नोन एज इंटेलिजेंस व्हाट इज लर्निंग Uh, अपने व्यवहार को बदलना चेंज इन बिहेवियर कैसा चेंज मैंने समझाया था रिलेटिवली परमानेंट चेंज तो आज हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की और अगर तुमने पहला पार्ट इसका देखा है तो मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी जीरो टू टू इयर्स में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट मेनली परिवार में रहकर होता है और उसकी सबसे बड़ी शिक्षिका उसकी माँ है इसलिए कहते हैं कि एक अकेली माँ सौ शिक्षकों पर भी हावी रहती है इसलिए बच्चे की पहली बोली को मातृभाषा कहा जाता है बच्चे के जितने डेवलपमेंट होंगे उन सब में आधारशिला के रूप में मां का योगदान होता है जो अतुलनीय है और अगर मां सोशल अगर कहें उनकी इंटेलिजेंस है या वो सोशली अपने आप को देखें वेल डेवलप्ड हैं तो वो बच्चे को भी धीरे धीरे उस ये पता नहीं चलता संस्कार कभी कह के नहीं दिए जाते ये पता ही नहीं चलता कि कब लाइफ में संस्कार अपने आप बच्चे के अंदर आते चले जाते हैं ये खास एज है जिसका सारा प्रभाव बच्चे पे पूरी जिंदगी रहेगा हो सकता है छः आठ साल का बच्चा दस बारह पंद्रह साल का बच्चा आपको लगे कि परिवार से उल्टा उसका व्यवहार है वो नेचुरल है नॉर्मल है लेकिन एक एज गुजरने पर 20, 22, 25 साल मेच्योर हो जाने पर आप देखेंगे कि परिवार के संस्कार कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन में दिखाई देने लगते हैं और अगर बच्चा गलत रास्ते पर भटक भी जाता है अगर उसके बचपन के संस्कार अच्छे हैं ना तो आप देखना वो बच्चा लौट के वापस जरूर आएगा तो ये जो चीजें होती हैं ये संस्कार कहलाते हैं ये वैल्यूज़ कहलाती हैं और ये वैल्यूज के पाठ नहीं पढ़ाए जाते ये वैल्यूज कहीं मार्केट से नहीं मिलती ये सिर्फ और सिर्फ परिवार से मिलती हैं तो इसलिए हैं कि जिस बच्चे का जन्म अच्छे परिवार में हो गया तो उसमें मम्मा पापा बेबी डॉक्टर बच्चे ये सब मैंने बताया था एक्सप्लेन किया था सारा कुछ तीन से छ में अभी बच्चा स्कूल नहीं गया इसलिए प्री स्कूल कह दिया जाता है या भी बच्चे का कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बना तो प्री गैंग एज भी यही कहलाती है तो ये एज जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कहा जाता है कि पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि पड़ोस के लोगों के बच्चों की भाषा उनके तरीके कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर आएंगे ही आएंगे इसीलिए अपने घर के बाद अड़ोस पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए अच्छे से मेरा मतलब यहाँ अमीर नहीं है अच्छे का मतलब है वैल्यूज होना तो वैल्यूज तो किसी भी परिवार में हो सकती है चाहे वो गरीब हो किसानों का हो मजदूरों का हो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा कहीं गारंटी नहीं है कि अमीर लोगों के घरों में वैल्यूज़ मिलेंगी ये संस्कार तो मान लीजिए किसी भी घर में मिल सकते हैं और हो सकता है बहुत अमीर अमीर, अमीर घरों में भी ना मिले तो संस्कार कोई पैसे की चीज़ नहीं है कि पैसे से खरीदी या ना पी जाए तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पड़ोस बच्चे का दूसरी स्टेज में तीसरी स्टेज में बच्चा स्कूल जाएगा छः से बारह साल का और क्योंकि स्कूल गया तो इसका नाम रख दिया स्कूल एज अब बच्चे का एक गैंग बना और गैंग में उसके आठ दस फ्रेंड्स होंगे मैंने बताया था छः से बारह साल के बच्चे जेंडर में थोड़ा डिफरेंस मानने लगते हैं और लड़कियां अपना गैंग जो बनाती हैं वो लड़कियों का ही होता है और लड़के जो गैंग बनाते हैं उसमें लड़के ही होते हैं ये पहली से मान लीजिए लगभग लगभग में छः साल का बच्चा पहली से लेके और ये पांचवीं छठी तक के बच्चे हैं इसमें लड़के लड़कियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते और लड़कियाँ लड़कों से उनके गैंग में वो इकट्ठी रहेंगी खेलेंगी इकट्ठे खाएंगी ऐसे ही लड़के अपने गैंग में रहेंगे इकट्ठे खेलेंगे मस्ती करेंगे तो गैंग्स आप इजीली अपनी गली में मोहल्ले में नुक्कड़ में स्कूलों में भी देख सकते हैं वो एक ख़ास जेंडर की तरफ कि भाई सारी लड़कियों का ग्रुप है बड़े होने पर ऐसा नहीं होता ये खास जो है ना कि भाई लिंग का प्रभाव दिखता है कि हाँ सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ खेल रही हैं ये तीसरी चौथी पांचवीं छठी तक ज़्यादा देखने में मिलता है इस एज बच्चे का रोल मॉडल जो पहले परिवार में उसने मां को अपना सबसे पहला शिक्षक पहला रोल मॉडल मान लिया था अब धीरे धीरे उसका रोल मॉडल यहाँ आने पर टीचर बन जाते हैं अगर टीचर अच्छे हो ना तो बच्चा उन पर बिल्कुल अंधविश्वास करने लगता है और वो ये भी मानता ही नहीं है कि टीचर भी गलती कर सकते हैं मैंने एग्जाम्पल दिया था आप कितने ही पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर बच्चा गलती से एप्पल को उल्टा लिख लाया और टीचर ने टिक कर रखा है ठीक का तो वो कभी नहीं मानेगा कि उसके टीचर गलती भी कर सकती है तो वो अपने टीचर्स को बिल्कुल रोल मॉडल मान लेता है और बहुत बार आप देखते हैं बच्चे घर आके टीचर्स की नकल भी करते कि हमारे सर ऐसे करते हैं हमारी मैम ऐसे करती है। इस एज में कर, होना जरूरी है और फीमेल में, में देखो कभी भी प्राइवेट स्कूल्स में देखो फीमेल टीचर ही मिलेंगी पहली से पांचवी मेल टीचर मिलते हैं छठी से बारहवीं तक में कारण उस टाइम तक बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाता है और उसके दिमाग में इतनी क्योंकि क्यूरियोसिटी उस तरीके से नहीं रहती रहती है लेकिन वो वैसे नॉनसेंस क्वेश्चंस नहीं करता अब इस एज का जो बच्चा है ना वो तो टीचर के पास जाके बहुत सारे नॉनसेंस क्वेश्चंस भी करता है इसीलिए महिला शिक्षिकाओं को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है प्राइमरी लेवल पर क्योंकि यहाँ बच्चा पता नहीं कितनी बातें कितनी बार पूछेगा यहाँ माँ की तरह सहन शक्ति होना ज़रूरी है इसलिए फीमेल टीचर्स ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं ठीक है ये स्कूल एज है इस टाइम पे बच्चा अपने पेरेंट्स से थोड़ा दबता है डरता है पेरेंट्स से थोड़ा दूर भी हो जाता है क्योंकि यहाँ तक तो वो गोद में रहा करता था उसकी सब बातें उसकी सब ज़िद मानी जाती थी लेकिन अब उससे एक्सपेक्टेड है कि वो स्कूल जाने लग गया तो वो सेंसिबल बिहेवियर करेगा और धीरे धीरे जब वो गैंग का एक्टिव मेम्बर बनता है ना बच्चों तो उस टाइम पे फिर वो पेरेंट्स से एक दूरी सी बना लेता है हल्की सी ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेकिन एक दूरी जिसमें कि वो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिखाता या धीरे धीरे ऐसा दिखाना बंद कर देता है आप कभी भी देखना नौ दस साल का बच्चा कभी माँ के पास आके उतना गोद में नहीं लेटेगा लेकिन चार साल का बच्चा अगर सोता हुआ उठा है तो तुरंत माँ को ढूंढेगा ये डिफरेंस होता है बिहेवियर में डिफरेंस आता है इसके बाद चौथी अवस्था थी किशोरावस्था जिसको मैंने कहा था टीन एज है और ये एज है आंधी और तूफान की अवस्था इस एज का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा और इसी एज में एक तरह से कम बड़े स्तर पर कहें तो डिसीजन हो जाता है कि बच्चे का झुकाव किस तरफ है और उसका भविष्य किस तरफ झुकेगा या बनेगा इस एज में जो बच्चा संभल जाता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है और इस एज में अगर वो गलत रास्ता पकड़ गया तो हो सकता है बहुत दूर तक भटक जाए और वापस आने में उसको टाइम लग जाए या हो सकता है एज ही निकल जाए तो इस एज के संगी साथियों का प्रभाव बच्चे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है है और एक दिक्कत ये है कि इस एज में बच्चा ना तो पेरेंट्स को रोल मॉडल मानता जैसा कि वो बचपन में मानता था और ना ही टीचर्स को रोल मॉडल मान पाता उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसके अपने संगी साथियों का जैसे जिसके साथी होते हैं वो वैसा ही बन जाता है कहावत है ये आप अपने आप को भी जज कीजिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं 99 परसेंट लोग तो इसी एज में होंगे 18 19 20 ये लाइफ को सेट करने की एज होती है या 22 23 तक भी 25 के बाद आप देखिए इंसान में अपने आप बुद्धि का विकास हो जाता है वो मेच्योर हो जाता है या कह लें कि जीवन की परिस्थितियाँ उसको मेच्योरिटी अपने आप सिखा देती हैं जब बेरोजगारी की मार पड़ती है जीवन में दिक्कतें सामने आती हैं और जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ जाती है ना आके तब इंसान का व्यवहार अपने आप बदलता है इसलिए हर आदमी तीस के बाद कभी नहीं कहते है कि मस्ती करो वो कहते हैं टाइम है पढ़ लो टाइम है जीवन बना लो क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं और वो उसका महत्व समझते हैं तो किशोरावस्था की दिक्कत क्या है उस टाइम पे उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे वो पांच छः साल उसके भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और उसके भविष्य को तबाह भी कर सकते हैं इसीलिए उस एज में बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी जो ये किशोरावस्था है ना ये बहुत निर्णायक स्टेज है किशोरावस्था इस एज में बच्चे का बिहेवियर ये नहीं पढ़ाया था आज पढ़ा रही हूं यह जो बातें अब तक कर रही थी ये फिर भी तुम्हें समझ में आ गई होंगी अब ये नया टॉपिक है इसको ध्यान से समझना किशोरावस्था में पहली चीज बच्चा जो है ना उसके साथी बदलेंगे अब तक साथी कौन थे गैंग किसका था सेवन थे है तो सेवेंथ ए का ही गैंग है सिक्सथ ए है तो सिक्स ए का ही गैंग है फिफ्थ है तो फिफ्थ का ही गैंग है यानी अपनी क्लास में जैसे भी बच्चे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता वो गैंग उन्हीं से बनेगा अपनी गली में भी गैंग उन्हीं का बनेगा लेकिन अब किशोरावस्था में गैंग इस तरीके से नहीं बनता क्योंकि अब बच्चे साथियों का जब चुनाव करते हैं ना तो वो कोशिश करते हैं कि उनका एटीट्यूड उनके जैसा ही हो यानी क्लैश ना करे दोनों के वैल्यूज एक जैसी हों दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा हो यानी ये सब चीजें दोस्तों का चयन करवाती हैं फिफ्थ का बच्चा कभी नहीं सोचता कि मेरा दोस्त जो है वो ऐसा होना चाहिए वो जिसके साथ बैठा है ना क्लास में वही उसका दोस्त बन जाएगा वो उसी के साथ लंच करेगा उसी के साथ बातचीत करेगा उसी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करेगा लेकिन बड़े होने पर जब बच्चा नाइन्थ में टेंथ में इलेवंथ में ट्वेल्थ में आता है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जिसके साथ बैठा है उसी के साथ उसकी बातचीत अच्छी चलेगी हो सकता है टीचर के कहने पर बैठ किसी के साथ जाए लेकिन यार दोस्त उसको दूसरे अच्छे लगते हों यहाँ दोस्तों के चयन में बहुत मैटर करता है कि सामने इंटरेस्ट क्या वैसा ही है जैसा उस बच्चे का है फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को मान लीजिए मूवीज मूवीज का बहुत शौक है तो वो दोस्त ऐसे ही बनाएगा जिन सबको की बातें अच्छी लगती होंगी उसका दोस्त ऐसा नहीं बन सकता जिसकी बातें पढ़ाई की होंगी यहां पे बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज मूल्य संस्कारों के अकॉर्डिंग अपने दोस्त को चुनते हैं दूसरा इस एज में बच्चा जो है ना वो कोशिश करता है ये टीनेज है कि वो किसी ग्रुप का मेंबर बने ये ग्रुप कैसे हो सकते हैं जैसे आ, मैं अगर पुरानी बात बताऊं आपको जैसे आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था भगत सिंह याद है आप लोगों को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ये सब यंग थे यही एज तो होती है जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं जो टीन है इसमें बच्चों के मन में ये बड़े हो रहे हैं किशोर बन गए बच्चे तो मैं कह रही क्योंकि हमारे लिए बच्चे हैं इन किशोरों के मन में ये बात आती है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है मुझे समाज के लिए कुछ करना है अगर इन्हें डायरेक्शन सही मिल जाए ना तो ये देशभक्ति से भर सकते हैं ये सही बहुत ज्यादा देश के लिए समाज के लिए काबिल बन सकते हैं और इन सबके मन में होता है कि हम किसी संगठित समूह के मेंबर बन जाएं यही कारण है कि देखो नौजवान भारत सभा थी भगत सिंह ने नाम में ही देखो ना नौजवान भारत सभा तो जितने उसमें यंग लड़के थे जिनकी विचारधारा उन जैसी थी वो सारे उसके मेंबर बन गए थे अभी भी तो काम कर ही रही है लेकिन आजकल इतनी चीजें हैं कि पता ही नहीं चलता ये किशोरावस्था वाले हैं किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप का की इच्छा होती है वो किसी संगठन से जुड़ना चाहते हैं किसी भी अच्छे संगठन से तीसरा ये चाहते हैं कि जो इनका नेता हो चाहे स्कूल में कोई हेड बॉय की बात करें हेड गर्ल की बात करें या कॉलेज में या उससे पहले बीच का जो एज है इलेवेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ टेंथ की बात करते हैं अब इनके नेता बदल जाते हैं मतलब ये नेता चाहते हैं ऐसा बने मान लीजिए स्कूल की कोई प्रॉब्लम है भाई स्कूल में किसी को हेड बॉय बनाना है या आ, किसी को स्कूल परफेक्ट बनाना है तो ये प्रेफर करते हैं ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो कि एक्स्ट्रो हो एक्स्ट्रो वर्ड समझते हो जो खुल के एक्स्ट्रोवर्ट जिसे आप कहते हैं बहिर्मुखी मुखी हिंदी में जो अपनी बात को बिल्कुल खुल के बिना दबाव के बिना डर के कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके ऐसे लोग कहलाते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट होते हैं दब्बू डरपोक मन ही मन में अपनी बात रखेंगे बोल नहीं पाएंगे एक्सट्रोवर्ट लोगों को पसंद किया जाता है टीन एज के ग्रुप में अगर कोई बिल्कुल दब्बू है बात नहीं कर पाता है टीचर्स के सामने भी नहीं बोल पाता तो उसे कोई कॉलेज का या स्कूल का प्रेजिडेंट नहीं बनने देगा ये चाहते हैं हमारा लीडर ऐसा हो जो जिसकी पर्सनैलिटी स्मार्ट हो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज के बच्चे जो होते हैं ना फिजिकल अपीरियंस पे बहुत ध्यान देते हैं ये सबके साथ है आपके साथ भी है अपनी जब हम लोगों की एज एज तो हमारे साथ भी था इस एज का बच्चा सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपने स्मार्टेस्ट वे में सबके सामने आए वो बालों का ध्यान रखेगा वो अपनी हाइट का ध्यान रखेगा हेल्थ का ध्यान रखेगा तभी देखना लगभग टीनेजर बच्चे आपको बालों में हाथ मारते कंघी जेब में रखते ऐसे मिलते हैं अब जैसे उम्र बीतने पर यह सब चीजें नॉनसेंस दिखती हैं लेकिन इस एज में जाके सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है बच्चा अपने अपीरियंस को लेके उसको लगता है आठवीं कोई तेल नहीं जाते थे वो कहते नहीं हम चिपकू चिपकू लगते हैं अपीरियंस का इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव है कि अगर कोई एक क्लास में कह देगा ना कि तेल लगा के आ लग गए तो चिपकू से बाल बना के तो बच्चा पूरी लाइफ जब तक उसको समझ नहीं आ जाएगी तेल नहीं लगाएगा तो छोटे छोटी छोटी सी बातें हैं अपीरियंस बहुत मैटर करने लगता है अब तीसरी चौथी के बच्चे को तो माँ दो रखेगी सिर पे और कहेगी चुपचाप तेल लगा के जाओ मानेगा वो वो मना नहीं कर सकता लेकिन नौवीं का लड़का अगर तेल नहीं लगा रहा है तो माँ कितना ही चिल्लाती रहे बोलती रहे कुछ भी हो वो लगाएगा थोड़ी तेल क्योंकि अब उसके लिए लगाएगांस मैटर करता है हेयर स्टाइल की बात करें चौथी पांचवी छठी तक तो पिताजी जैसे चाहते हैं वैसे ही बाल कटते हैं उसके बाद नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारह जैसा बच्चा चाहता है वैसे बाल रखेगा तो उसके लिए अपना अपीरियंस मैटर करता है और ये अपीरियंस भी ना बहुत ज्यादा साथियों के अकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो तभी तो मैं कह रही हूं जैसे जिसके साथी होते हैं वो वैसा ही बन जाता है चलिए ये तो हुई एज ग्रुप की बात अब हमने देख लिया किस तरह के बच्चे हैं अब इन बच्चों को हैंडलिंग करनी है इन बच्चों की तो उसमें टीचर क्या योगदान दे एज अ टीचर हम क्या करें ताकि हम समाज के इस आने वाले जो बच्चे जो बड़े होंगे और एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे एज अ टीचर हम क्या करें सबसे पहला काम हम इन लोगों को एक बहुत अच्छा वातावरण दें हम सब की जिम्मेदारी है पूरी सोसाइटी की टीचर्स की पेरेंट्स की कि बच्चों को एक अच्छा माहौल दे अच्छा माहौल क्या होता है अच्छा माहौल ये नहीं कि पढ़े रहो और टी देखते रहो और अपना लैपटॉप पर लगे रहो फोन में ये अच्छा माहौल नहीं होता अच्छे माहौल का मतलब है इन्हें आजादी दी जाए लेकिन उस आजादी को यूज करना भी सिखाया जाए कि आजादी यूज कैसे करनी है इनके दिमाग के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दिए जाएं, इनकी सोच अलग अलग दायरों में जाके सोच सके ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए इनके सामने ये सोच सकें कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ तो इनको एक अच्छा माहौल दें इस माहौल में डर और भय नहीं होना चाहिए ये माहौल हो फ्रेंडली लेकिन आज़ादी के साथ कुछ बाउंडेशंस भी होनी चाहिए क्योंकि इस एज में बच्चे में ये समझ नहीं होती कि क्या उसके लिए ठीक है लॉन्ग रन में और क्या उसके भविष्य को तबाह भी कर सकता है तो बच्चे ऐसा ना हो कि बिल्कुल वातावरण इतना फ्रीडम का हो कि बच्चे गलत रास्ता पकड़ ले बाउंडेशंस वैसी ना हो जो वो बंधन फील करे लेकिन हाँ वैल्यूज यहाँ बहुत मैटर करेंगी तो बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें कि उसको पनपने का मौका मिले लेकिन वो खुद जानता हो कि मुझे किस चीज़ की सीमा को पार नहीं करना क्या मेरे लिए फायदेमंद नहीं है और मैं क्या कर सकता हूं तो वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दूसरा टीचर के लिए जरूरी है कि वो प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक मीन्स का यूज़ करे प्रजातांत्रिक साधन इसका यह है डेमोक्रेटिक मीन्स इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एक टीचर को कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए बायस्ड का मतलब होता है आपका झुकाव एक तरफ ज्यादा है जैसे किशोरावस्था में टीचर बायस्ड ना हो वो लड़कों के प्रति लड़कियों के प्रति या राजनीति के प्रति या इतिहास के प्रति बच्चों के अंदर जो समझ डेवलप करे ना वो बायस्ड ना हो वो बच्चों के साथ भी बायस्ड ना हो जैसे कई बार ऐसा होता है बहुत सारे स्कूलों में कि कुछ ही बच्चे होते हैं जो हमेशा सितारों की तरह चमकते रहते हैं बाकी सब क्लास पीछे पता ही नहीं चलता कहाँ रह गई एक क्लास मान लीजिए दसवीं है दसवीं के पांच बच्चे हैं जो स्विमिंग में भी आगे टेबल टेनिस में भी आगे स्पीच में भी आगे डिबेट में भी आ गए पचास बच्चों की क्लास में सात आठ बच्चे बस आगे हैं बाकी वो चालीस बयालीस बच्चे कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चलता ऐसा नहीं होना चाहिए हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है कुछ बच्चे बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकते हैं कुछ बहुत अच्छी डिबेट सकते हैं कुछ बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं कुछ बहुत अच्छा कुछ भी इस तरह का काम कर सकते हैं जो उसके जीवन में बहुत होगा। कोई कितने बच्चे के अंदर हैं बस वातावरण ऐसा दो कि इनको पनपने का अंकुरित होने का मौका मिले और ये इस एज में बहुत ज्यादा क्योंकि एनर्जी का लेवल होता है हाई अगर उसको डायरेक्शन सही नहीं मिली तो बच्चा गलत रास्ता पकड़ लेगा ठीक है तो प्रजातांत्रिक साधन यूज करें सबको मौके दे टीचर ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को या कुछ बस अमीर अच्छे घर के लोगों को नहीं हर एक को मौका मिले जिसमें योग्यता होगी योग्यता के दम पे जो आगे आएगा बहुत अच्छी बात है तीसरा किशोरावस्था या हर जैसे सिक्स सेवेंथ के बाद ही बच्चों को ना सोशल प्रॉब्लम्स पता चलनी चाहिए कि भाई जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं मुझे ध्यान है जब हम छठी सातवीं आठवीं में थे तो कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी जैसे एक तो ये आता था बहुत ज़्यादा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इसके ऊपर हर बार आता था कि भाई एक जो है ऐसे आएगा पंद्रह नंबर का एक आता था दहेज प्रथा ये इस तरह के टॉपिक थे कि आने ही आने एक वातावरण या पेड़ों के ऊपर जरूर आता था तो हम सब इनको तैयार करके रखते थे इन सब से क्या होता है हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये सब बच्चे के दिमाग का ढक्कन खोल के विचारों को बाहर आने के लिए रास्ता दे देते हैं जब हम लिखते हैं ना पेड़ों का महत्व तो फिर हम उसमें सोचते हैं बच्चा सोचता है कि यार पेड़ों का क्या महत्व है क्यों हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए या पौधारोपण क्यों करना चाहिए या पेड़ बचाव का वो जो आंदोलन चला था वो क्या था ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग का

बच्चे की समझ में ही नहीं आता कि क्यों ये पाप है दहेज लेना और देना और बहुत सारे तथाकथित पढ़े लिखे लोग भी दहेज में गाड़ियां ले रहे होते हैं और सारा सामान ले रहे होते हैं या गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया है ये बचपन से हमें सिखा दिया था टीचर्स ने और उसी के कारण हमें इस चीज से नफरत हो गई या पेड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है बाढ़ क्यों आती है ये सब चीजें जो होती है ना ये दिमाग का विकास सोशल प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ डिस्कस की जानी चाहिए क्लास में भी और इसके लिए टीचर्स ब्रेन का यूज कर सकते

Humanity जन्म लेती है ना बचपन में उसको महसूस ही नहीं करने दिया एम्पैथी को डेवलप ही नहीं होने दिया एक होता है सिंपैथी एक होता है एम्पेथी सिंपैथी होता है किसी के साथ की ओ हो बेचारा एम्पेथी होता है कि हाय ऐसा हमारे साथ भी तो हो सकता था ना ये तो शुक्र है कि आप सब लोग जो सुन रहे हैं हम हम सब अच्छे घरों में जन्मे कि कम से कम हम लोग पढ़ने के इस टाइम पे पढ़ने के बारे में सोच पा रहे हैं उन गरीब मजदूरों की स्थिति देखो जरा जिनके बीवी बच्चे दस दस दिन से भूखे लगातार चल रहे हैं क्योंकि उनको यहां से किसी को बिहार जाना है किसी को महाराष्ट्र जाना है तो उन लोगों को सोचते हैं तो मन में दया आती है दुख आता है कि भाई अब उनकी क्या गलती है गरीबी में पैदा हुए मान लिया पढ़े लिखे नहीं लेकिन बेचारे वो उस टाइम पे साधन नहीं रहे गरीब हैं परेशान हैं मजदूरी करके पेट भरते थे अब एकदम से ये महामारी आएगी उनको कौन सा पता था और उनके पास कौन सा ऑप्शन था कि वो भाग जाते दस दिन पहले बताया था सरकार ने कि वो कोई जुगाड़ करते वो तो बेचारे तुरंत ही फंस गए ना तो ये सब चीजें बचपन से कहीं ना कहीं एजुकेशन के पार्ट में होनी चाहिए कि कि बच्चे के मन में में ही ह्यूमैनिटी पैदा हो हो जाए जो कि इंडिया में तो हो तो लगभग खत्म गई है है ये टीचर्स का एक बहुत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अच्छा माहौल दें सोसाइटी में बच्चों को प्रॉब्लम्स बताएं कि देखो देश देख में कितनी दिक्कतें हैं तुम क्या कर सकते हो देश के लिए तुम क्या अच्छा कर पाओगे बच्चा जो है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है सही डायरेक्शन में मुड़ गई तो देश का समाज का भला होगा और गलत दिशा में मुड़ गई तुम देख लो शराब के ठेके इतने खुल गए तो गलत दिशा अपने आप मिल जाएगी तो इस तरह की जो चीजें हैं वो तो इंसान को अगली पीढ़ी को नेगेटिव नाकारा निकम्माई तो बनाएंगे ना एक पॉजिटिव तरीके से मोड़ दें सारी ताकत को तो ये ऊर्जा से भरी हुई एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है किशोर हमारे पास लेकिन इनकी ऊर्जा का यूज कैसे करना है ये समाज को तय करना है ये टीचर्स को तय करना है पेरेंट्स को तय करना है तो कहीं ना कहीं समाज की गलती होती है अगर अगली पीढ़ियां कमजोर हैं तो या अगली पीढ़ियों में मानवता के गुण नहीं है तो या

जो बच्चे का डेवलपमेंट करती हैं सोशल कैसे उसका सामाजिक विकास होता है अब जैसे मैंने कह दिया बच्चों में संस्कार अच्छे भरे बच्चों का जो है अगली पीढ़ी को ह्यूमैनिटी से भरा हुआ रखें कि वो संवेदनशील बने गरीबों के प्रति उनसे घृणा ना करें कोई अपाहिज है अपंग है दिव्यांग है तो उस पर बेचारगी का भाव ना आए उसके प्रति मन में इज्जत आए कि कोई बात नहीं ये तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई पोलियो की बीमारी तो किसी को भी लग सकती है ना वो जो दवाई भी पिलाते हैं वो भी कहते हैं कि एक चांस है कि बच्चे को ये हो ये अपने हाथ की बात नहीं होती किसी को भी पैरालिसिस हो सकता है किसी की पार्ट में कुछ भी पॉजिटिव तो फीलिंग तो रखें ये बहुत जरूरी और ये कैसे आएगा जब उसको परवरिश अच्छी मिलेगी जब उसको टीचर्स अच्छे मिलेंगे जब उसको सोसाइटी अच्छी मिलेगी ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ टीचर्स का भी जिम्मा नहीं है कि सबको वो सुधारें जिम्मा हम सबका है पूरे समाज का है तो एजेंसीज़ देखो जो सोशल डेवलपमेंट करती हैं, सबसे पहली परिवार परिवार सबसे पहली पाठशाला है बच्चे की सबसे पहला स्कूल है परिवार परिवार में दादा दादी अंकल आंटी मम्मी पापा बुआ कितने लोग होते हैं उन सब में जितने संस्कार हैं जैसे संस्कार हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सब का प्रभाव बच्चे पे आएगा ही आएगा परिवार को पहली प्राथमिक पाठशाला कहा गया है और जितनी चीजें बच्चा सीखता है ना उन सब का बेस परिवार से ही बन के आता है तो अगर परिवार समझदार है परिवार के अंदर वैल्यूज हैं तो ऑटोमेटिकली ये पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे में अपने आप ये चीजें आ गई हो सकता है ये दिखाई ना दे 18-20 साल तक आपको दिखेगा ये तो बड़ा बदतमीज बच्चा है इसको अकल नहीं है जिद्दी है क्योंकि वो किशोरावस्था के कारण है या वो बचपन की जिद के कारण है लेकिन संस्कार दिखने लगते हैं जब बच्चा और बड़ा होने लगता है जब जैसे 25 का हुआ 28 का हुआ 32 का हुआ तो लोगों के अंदर संस्कार स्पष्ट दिखते हैं कि उसके मन में केयर है कि नहीं है वो दूसरों के प्रति जागरूक है कि नहीं है वो समाज के प्रति कुछ चीजें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि नहीं मानता यही संस्कार हैं। आप बड़े होने के बाद कैसा अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं ये आपके संस्कार हैं और ये सिखाए नहीं जाते ये तो अपने आप आ जाते हैं घर में अगर दादा दादी की केयर माँ बाप करते हैं चाचा चाची करते हैं ताऊ जी ताई जी करते हैं तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो गुण आएंगे और अगर घर में दादा दादी की इज्जत माँ नहीं करती चाची नहीं करती पिताजी नहीं करते ताऊ जी नहीं करते तो आप ये सोचिए कि उस बच्चे में संस्कार थोड़ी आएंगे और आप कितनी ही अच्छी परवरिश दे लो उस बच्चे को आप कितना ही उसको पैसों से आ, आगे से आगे सामान दिलाओ लेकिन फाइनली जाके जब वो तीस बत्तीस पैंतीस साल का होगा बच्चा और जब आप बुढ़ापे में होंगे तो वो संस्कार आपको दिखेंगे वो वैसी ही बदतमीज़ियाँ फिर अगली पीढ़ी भी करेगी क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि सिखाई जाएँ बता के ये सब चीजें बिहेवियर्स से सीखी जाती हैं इनका इमिटेशन करती हैं अगली पीढ़ियां तो उनके सामने रोल मॉडल बन के रहना चाहिए हम सबको तुम्हें मुझे तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी बुढ़ापे में केयर होगी आप आज अपने जो जो आपके घर में अगर बहुत लोग हैं आप उनकी कद्र नहीं कर रहे केयर नहीं कर रहे अपनी सास की अपनी माँ की या किसी भी तरह से तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगली पीढ़ी आपकी केयर करेगी ये जो इतने अनाथ ये जो थे ना ये वृद्धाश्रम ये लगातार बढ़ रहे हैं इंडिया में कारण कहीं ना कहीं समाज की भी कमजोरी है कि वो पीढ़ियों के अंदर वो संस्कार नहीं पैदा कर पा रही कि उनको अपने पेरेंट्स के प्रति लगाव हो जैसे हमारी जो पीढ़ी थी हमें अपने पेरेंट्स के प्रति ज्यादा लगाव क्यों था क्योंकि हम देखते थे कि वो कितनी परेशानी में भी बच्चों की केयर करते थे आजकल क्या टाइम आ गया माँ को बच्चे की कोई केयर ही नहीं रह गई क्योंकि वो व्हाट्सएप की चैटिंग में लगी हुई है बाप को भी कोई केयर नहीं है वो अपने बिजनेस के काम में लगा हुआ है तो ऐसे में बच्चे को जब बचपन में निगलेक्शन जिसने देखा है वो बुढ़ापे में तुम्हें क्यों इंपॉर्टेंस देगा तो ये कहीं ना कहीं संस्कार यहीं से अगली पीढ़ी तक जाते हैं इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा परिवार सबसे पहली इकाई है ये पहली संस्कृति का का सभ्यता और संस्कारों का पाठ पढ़ाता है तो अपने परिवार को अगर मजबूत बनाएंगे तो चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो ठीक रास्ते पर चलेगा दूसरा फर्क बच्चे के ऊपर पड़ता है अपने विद्यालय का अपने स्कूल का अगर स्कूल अच्छा है अच्छे स्कूल का मतलब महंगा स्कूल बिल्कुल नहीं है स्कूल में टीचर्स की वैल्यूज क्या हैं टीचर्स के आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं प्रिंसिपल के साथ टीचर्स का रिश्ता टीचर्स टीचर्स का आपस का रिश्ता स्कूल की बिल्डिंग कैसी है देखो कितनी अजीब बात है बिल्डिंग का भी फ़र्क पड़ता है कैसे क्योंकि एक चीज़ होती है मेंटल फिजिकल आपको जो सुविधाएं मिलती हैं इनका भी असर बच्चे पे कहीं ना कहीं दिखेगा अगर बच्चे की बैठने की व्यवस्था अच्छी है टॉयलेट की व्यवस्था है स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था है हवा के टाइम पर हवा मिलती है लाइट के टाइम पर लाइट मिलती है तो स्कूल में बच्चा खुश रहेगा और खुश रहेगा तो अपने आप उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे उल्टा करके देखें स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है गर्मी में मरते हैं सर्दी में मरते हैं लाइट नहीं है पंखे नहीं है पानी की सुविधा नहीं है टॉयलेट बहुत गंदे हैं तो ये सब चीज़ें कहीं कहीं बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगी और वो प्रभाव उसकी में बच्चों उनका सीधा असर हमारे दिमाग पे होता है कुछ लोग कहते हैं ये दलील देते हैं कि समाज से किताबें प्रभावित हैं या किताबों से समाज प्रभावित है तो इस बात की सच्चाई ये है कि किताबें समाज को देख के लिखी जाती हैं और सम किताबों में क्या लिखा है इसको देख के समाज भी अपने आप को बदलता है ये एक विशेष सर्कल है किताबें भी बदलती हैं और समाज भी बदलता है किताबें समाज से प्रभावित हैं और समाज किताबों से प्रभावित है एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जब हम छोटे थे तो हमने अपने किताबों में ऐस, ऐस सच बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ा मुझे ध्यान है छठी सातवीं में मैं के में पढ़ी थी मलेरिया के ऊपर एक चैप्टर था बस जो मुझे याद आता है बीमारियों के ऊपर सिक्स क्लास में अब सिक्स क्लास में मेरी बेटी जब सिक्स में थी दो तीन साल दो साल पुरानी बात बता रही हूँ तो उसकी बुक में एक चैप्टर था एड्स के बारे में आप देखो कैसे समाज बदला कैसे किताबों का कंटेंट बदला तो ये अंतर जो है ना किताबों का सीधा प्रभाव दिमाग पे है और समाज की वैल्यूज़ का सीधा प्रभाव किताबों पर है दोनों आपस आप में इंटर रिलेटेड है सिर्फ इसकी बात नहीं है जेंडर के रोल्स की बात करें जब हम छोटे थे मुझे अच्छी तरह याद है जितने भी पाठ होते थे ना उन सब में औरतों को काम करते हुए दिखाते थे कोई कहानी भी दिखा रहे हैं ना लिख रहे हैं तो उसमें औरत घर का काम कर रही है और आदमी दफ्तर जा रहा है कहानियों में हमने यही पढ़ा एक एग्जाम्पल मुझे याद है कमला झाड़ू लगा और राम केला खा लड़की है तो दिमाग में इमेज बन रही कि कमला लड़की है ना झाड़ू तो लगाएगी और राम क्योंकि लड़का है तो वो फल खाएगा तो ये कमला झाड़ू लगा और राम केला खा जो जो आ, सोच बनाती थी ना ये जेंडर बायस सोच थी इसके ऊपर काम किया और फिर कहा कि किताब में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं लिखना जिससे कि बाल मन पे ये प्रभाव पड़े कि महिला है तो सिर्फ ऐसा ही काम कर सकती है और आदमी है तो ये उसका हक है इन सब चीजों को ध्यान में रख के अब किताबें बनती हैं और आप देखना आपके बच्चे की जो पहली दूसरी की किताबें है ना नर्सरी की और आ, इसकी प्री नर्सरी वाली इन सब में पिक्चर्स के माध्यम से भी आपकी सोच को बदलने का पूरा कोशिश की जा रही है मैं एक एग्जाम्पल देती हूं यही सोनीपत में एक स्कूल है स्कूल अब नाम तो मैं नहीं लूंगी सोशल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है उसमें मेरे ख्याल चार या पांच साल के बच्चे पी पी टू में होते हैं उस एज के बच्चे की किताब है और कुछ लिखा नहीं है सिर्फ ऊपर लिखा है ऑन संडे मॉर्निंग संडे की सुबह और पिक्चर से समझाया है यहाँ छः पिक्चर बनी हुई हैं एक परिवार के छः लोग हैं इस तरफ फीमेल हैं इस तरफ मेल हैं तो क्या दिखाया उसमें दिखाया कि दादा जो है ना वो गार्डन में पानी दे रहे हैं जैसे एक थोड़ा बुढ़े से आदमी बना दिए पानी दे रहे हैं गार्डन में दादी जो हैं वो हारमोनियम लेके बैठी हैं म्यूज़िक का कर रियाज करें पिक्चर से दिखा रहे हैं ये फिर उसमें ये पहली पीढ़ी हुई दादा दादी की इसके बाद यहाँ पे उनकी माँ मदर और फादर ये दिखाया गया कि पिताजी किचन में खड़े हैं और काम कर रहे हैं एक कड़छी उन्होंने ले रखी है वो चमचा और वो कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं और दूसरी तरफ दिखाया माँ जो हैं वो म्यूज़िक सुन रही हैं और उनके हाथ में अखबार है तो ये जो चीज़ें हैं ये रोल देखो कैसे बदल रहे हैं तीसरे में दिखाया गया जो लड़की है वो क्रिकेट खेल रही है एक ऐसा गेम जो पहले हमारे टाइम तक सिर्फ आदमियों के साथ जोड़ा जाता था वो लड़की क्रिकेट खेल रही है और वो लड़का बैठ के किताब पढ़ रहा है ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना जैसे गर्ल और बॉय इन तीनों की जो रोल हमें सामने आ रहा है चार साल के बच्चे के दिमाग में वो ये रोल बन रहा है कि दादा जो हैं वो घर का काम कर सकते हैं वो पानी दे सकते हैं पापा जो हैं खाना बना सकते हैं और अगर मैं लड़का हूँ तो मैं भी बैठ के किताब पढ़ सकता हूँ जरूरी नहीं कि मैं क्रिकेट खेलता ही फिरूँ उसी तरफ देखें मम्मा म्यूजिक भी सुन सकती हैं उनको भी हक है कि वो बैठ के म्यूजिक सुने मम्मा को हक है कि वो अखबार पढ़ें वो सिर्फ हमेशा घर के काम में ना लगी रहें दादी को हक है वो जो उनका मन करे उनका मन है म्यूजिक में तो वो हारमोनियम बजाएं क्यों दादी भी हमेशा स्वेटर ही बुनती दिखाई जाए या घर के काम करती है पूजा पाठ करती और जो लड़की है तो क्रिकेट खेलना चाहती है खेले क्रिकेट इन सब चीज़ों का प्रभाव उस छोटे से चार साल के बाल मन पर पड़ेगा और जब कभी वो बड़ा होगा अगर लड़का है तो वो इस चीज को समझ से हुए बड़ा होगा कि लड़कियां ये सब काम कर सकती हैं और लड़के ये सब काम कर सकते हैं इसीलिए धीरे धीरे समाज अपने आप बदलने लगा आप देखिए हमारे दादा दादी के टाइम में और आज के टाइम में कितना परिवर्तन आ गया अब फिर भी पढ़े लिखे लड़के ये मानने लग गए कि पढ़ी लिखी लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिल जाना चाहिए धीरे धीरे अप्रोच में बदलाव आ गया ना और मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूं जब तक हमारे बेटा बेटी बड़े होंगे तो बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी होंगी और बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी डिस्कशंस की बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी डिसीजंस लेने की जहां पहले डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ आदमियों को था क्योंकि कमाते सिर्फ आदमी थे वहीं अब धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में महिलाएं भी आगे आ रही हैं और जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे जो हमसे दस बीस साल छोटे हैं या तीस साल छोटे हैं उस टाइम तक आप देखना दोनों फिफ्टी फिफ्टी बराबरी से काम करेंगे तो ये सब चीजें समाज में बदलेंगी इन सबको बदलने में आपका मेरा हम सबका एज अ पेरेंट एज अ टीचर एज अ सोसाइटी बहुत बड़ा योगदान है तो ये एजेंसीज जो मैं करा रही थी उसकी बात पे वापस आ जाते हैं परिवार बहुत कुछ सिखाता है पहली पाठशाला है विद्यालय बहुत कुछ सिखाता है और फिर इसी के साथ जो बच्चे का आस पड़ोस है इसका भी प्रभाव पड़ता है तो आसपास का माहौल भी हमेशा साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए लोग हमेशा अच्छी बातें करें चुगली में हमेशा लिप्त ना रहें हमेशा नेगेटिव बातें ना करें क्योंकि उनका सीधा असर अगली पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चों पर आता है ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा कि सामाजिक विकास क्या होता है सामाजिक विकास कैसे चलता है किन किन एजेंसीज़ का मेन योगदान है किशोरावस्था लाइफ का वो पीरियड है जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि ये डिसीजन लेने की पावर बच्चे के हाथ में आ जाती है कि वो कौन सी स्ट्रीम पढ़ेगा वो अपने भविष्य का निर्धारण किस तरीके से करेगा और वो कौन से रास्ते पर चलेगा तो बहुत ज़्यादा हद तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि किशोरावस्था में बच्चों को वो गलत अगर रास्ता पकड़े उससे पहले ही संभाल लें एज अ टीचर भी एज अ सोसाइटी में रहने के मेम्बर्स के नाते भी और पेरेंट्स uh, के नाते भी ठीक है चलिए उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी समझ में आ गई होगी hmm. ठीक है अच्छा चलिए इसके बाद अब नौ बजने वाले हैं सही नौ बजे मेरी क्लास होगी ऐप पर ऐप में किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो बता रहे हैं वोडाफोन के जो यूज़र्स हैं उनके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर टेक्निकल टीम काम कर रही है और उम्मीद है उसको जल्दी ही सॉल्व भी कर लेंगे ठीक है तो नौ बजे मिलते हैं ऐप पर हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री को हम धीरे धीरे करके फिर अपनी एंशंट को पूरा करेंगे पहले ठीक है ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड गुड नाइट